ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। तो टीएमसी ने कहा है कि अगर मोदी के कहने पर राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है तो फिर पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान दीदी और दीदी कहकर सीएम ममता पर तंज किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पक्ष विपक्ष में, और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज पंडित नेता बीजेपी और सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप लोग लगातार कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपने कोई शिकायत की है इसको लेकर अभी तक? जी, तो चुनाव के दौरान शिकायतें हो चुकी है और इनके शीर्ष नेताओं ने भी जो आरोप लगाए थे, जैसे सुभेदु अधिकारी हो गए आपके, और कई बड़े ऐसे इनके बीजेपी के नेता हैं बंगाल के, जिन्होंने कहा था ओ दीदी, तो उनके ऊपर भी क्यों नहीं कार्रवाई हुई? चलिए मोदी जी के ऊपर तो हमने मान लिया नहीं कार्रवाई हुई, तो इनके नेताओं ने जो दीदी ओ दीदी के नारे लगाए थे उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने तो कांग्रेस को कई बार आरोप लगाए हैं, और माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर भी, तो उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन कार्रवाई का भी एक तरीका होता है ना, कार्रवाई का भी तरीका होता है, बकायदा याचिका डाली जाती है, कोर्ट में जाया जाता है, शिकायत दर्ज की जाती है, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया या सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे आप लोग? भी करी है, हम लोगों ने भी करी है, ऐसा नहीं है नहीं करी है, पर शिकायत तो केवल एक, क्योंकि चुनाव आयोग उनका है और उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा था, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा था, सब लोगों ने, मतलब न्याय प्रणाली पर आपने सवाल उठा दिए, अब आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। मनोज पंडित जी, नहीं आप मुझे बताइए ना, मुझे आप बताइए, अभी थोड़ी देर में आपको भी बीजेपी के एजेंट बता देंगे, आप चिंता ना करो, ये तो नहीं, मीडिया मनोज भाई देखिए, कुछ ऐसे चैनल हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी को बताते रहते हैं। ये देखिए ऋषु जी, होता क्या है कि अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया का सिस्टम है उसी हिसाब से उसको चलाया जाता है, शिकायत दर्ज की जाती है, उस शिकायत के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, कोर्ट में आप उसके लिए सबमिट करते हैं, उसी के बाद सारी चीजें। वो तो मैं सवाल कर ही चुकी हूँ, वो तो मैं सवाल कर चुकी हूँ, जवाब नहीं दिया मेरे मित्र ने। अरे तो लेट में तो बता दीजिए कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई 2014 के बाद, अब तक कितने मुद्दा आपने उठाया है ना सुमित जी, मुद्दा आप उठा रहे हैं तो आपको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। आज से पहले इनको ये याद नहीं आया, आज इनको याद आ रहा है, क्यों याद आ रहा है? अरे हमने तो छोड़ दिया, हमें भी करना चाहिए था। अब हम, आपने पूछा क्यों नहीं किया आपने, तो मेरे मित्र ने कहा कि नहीं, बीजेपी की सरकार है, चुनाव आयोग उनके इशारे पे काम करता है, ईडी हमारे इशारे पे काम करता है, और सीबीआई हमारे इशारे पे काम करता है, तो आप ये बताइए फिर आपकी सरकार ईडी ऐसा कोटा बन के काम कर रही है? अगर आप चुनाव जीतते होते, अरे मोदी जी क्यों लगा देते, योगी जी गवर्नमेंट क्यों लगा देते, तो आज योगी जी रास्ते बन गए हैं, तो कार्यकर्ता जिनकी हत्या कलकत्ता में, आप बताइए कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, अडानी के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, अडानी के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, विपक्ष ने बराबर आरोप लगाए हैं, कितनी बार कार्रवाई हुई? अच्छा, आप अडानी का मुद्दा उठाते हैं, आप लोग अडानी का मुद्दा भी उठाते हैं, तो हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को लेकर आप लोग लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है, लेकिन इसके लिए भी तो कोई ना कोई शिकायत करेगा ना, शिकायत तो किसी ने की नहीं है। जेपीसी बनाते नहीं है आप, विपक्ष कह रहे जेपीसी की आप कमेटी बनाइए, उस पर कार्रवाई नहीं करते आप लोग, नहीं काम करते, कब तक क्या करेंगे आप लोग, क्यों गुमराह करने का काम करेंगे? और आप कहते हैं कि विपक्ष केवल हल्ला करता है, अरे भाई कुछ तो काम करिए, 2014 के बाद से कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर आपने कार्रवाई हुई आप मुझे बता दीजिए, कितने? मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने कितने बीजेपी के नेताओं की शिकायत की, मुझे बताओ। यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है सुमित जी। भाई मुझे आप बताइए ना, कार्रवाई तो तब होगी ना जब आप लोग शिकायत करेंगे, कार्रवाई तो तब होगी जब आप लोग शिकायत करेंगे, सिर्फ आप ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो कार्रवाई करेगा कौन, ये तो बताइए। अजीब हालत है, सीबीआईडी केवल आप बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सुमित जी। ठीक है मनोज जी ये बताइए, प्रधानमंत्री अक्सर ममता बनर्जी के साथ अपने विशेष रिश्तों का जिक्र करते रहे हैं, हमने कई बार देखा है, ममता ने भी एक दो बार ऐसे ही संकेत दिए हैं, लेकिन अब दोनों के बीच कड़वाहट काफी हद तक बढ़ गई है। नहीं, आप देखिए कि मीडिया में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, ममता जी ने भी बोला, दीदी ने भी बोला कि हमारे रिलेशन बहुत मधुर हैं, भाई बहन के रिलेशन है, और ये जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री तब से मेरे संबंध है, आज से नहीं है। तो देखो राजनीति करना, मतलब इतने मधुर रिश्ते हैं कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बड़े मधुर रिश्ते हैं। तो
आप नहीं कार्रवाई ना क्यों कैसे होगी कार्रवाई कार्रवाई के रिशु जी बैठ के करेंगी क्या आपके चैनल पे या नहीं आपने अभी कहा ना आपने अभी कहा कि बड़े मधुर रिश्ते हैं तो मैंने तो उस पर सवाल किया रिश्ते मधुर हैं उसको मैं कहीं कहा उसमें कुटाई अगर रिश्ते मधुर ना होते तो जब ये दीदी और दीदी कहा गया था तभी एक्शन लेते ही आज इनको क्यों याद आया आप ही बताइए भाई कितने दिन बाद क्यों उठे आज सोके आज नींद क्यों खुली आपकी आपकी नींद तब क्यों नहीं खुली थी जब ये सब काम करना था तो आज कहीं ना कहीं इनको लगा कि नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है ये सब चीजें भी हो सकती हैं तो इनको नींद खुल रही है कि ऐसा होना चाहिए। मनोज जी जैसा आप उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ डील करते हैं क्या टीएमसी के साथ ऐसे रिश्ते नहीं बन सकते क्योंकि ममता बनर्जी का बड़ा सम्मान है बंगाल में आप ये जानते ही हैं। नहीं सम्मान तो कहाँ सम्मान है पूरे देश में सम्मान है आप ये देखिए मुलायम सिंह यादव को इसे हट के ना अभी पुरस्कार दिया गया उनको तो ये सोच के नहीं दिया गया कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे ये सोच के दिया कि भारत की राजनीति में एक अच्छा मुकाम था एक चीजें थी और उन्होंने देश के लिए कुछ किया तो दीदी भी उसी श्रेणी में आती हैं वो खाली टीएमसी की नेता नहीं है वो उन्होंने भी आप बताइए 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही 2 बार मुख्यमंत्री रही चीजें रही तो कहीं ना कहीं वो ये तो ये पार्टी के अपने सिस्टम्स हैं कि उन्हें अपनी पार्टी कैसे चलानी है इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है पर लेकिन उनका व्यक्तिगत हम बात करें तो उनकी छवि पे कोई उंगली नहीं उठा सकता दाग उनकी छवि पे कोई दाग नहीं है कोई चीजें नहीं है तो वो अपने आप व्यक्तिगत बहुत अच्छी महिला है। चलिए तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस वक्त मनोज पंडित जी सुमित जी जी बलिंद देखिए तारीफ तो क्यों नहीं करेंगे आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आज दीदी खुल करके भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मेरे मित्र को तारीफ भी नहीं हजम हो रही है बोले तारीफ क्यों नहीं करेंगे नहीं नहीं अरे भाई अरे भाई आप लोग बोले क्यों नहीं करेंगे ये तो आपका शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तारीफ करके आप एक काम करिए सभी अरे भाई दीदी ने बंगाल के लिए भारतीयों के लिए दूसरे काम कर रही है ना। अरे मनोज भाई मुझे बताइए कम से कम आप लोगों ने भी तो स्वीकार किया कि हाँ दीदी अच्छे काम कर रही है बंगाल के लिए देशवासियों के लिए बीजेपी खुद स्वीकार रही है ना और फिर आप लोग कहते हैं कि दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है दीदी अच्छा काम कर रही है तो कुछ कह रहे हैं और रही बात जिस तरीके से आज देश के हालात पैदा है हम लोगों को उसके लिए काम करना चाहिए हम लोग महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए बेरोजगारी के ऊपर बात करनी थी इसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ती हम लोग क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर गोल करके बोलती है हम लोग महंगाई कम करेंगे बेरोजगारी खत्म करेंगे आज कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का मनोज भाई कहाँ है बिल्कुल मेरे भाई आप सवाल तो वाजिब है मनोज पंडित जी 9 साल हो गए साथ में 4 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश में आप ये देख लीजिए और हमने इतिहास में भी ये समझ लीजिए कायम कर दिया देने का वादा पता नहीं हम लोगों ने कब करा था आगे तक पूरा नहीं हुआ है सजा होती आए दुगनी करने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ तो आगे बढ़ाया जा रहा है पेंडिंग पड़ी हुई है मनोज भाई आप बात करो आप बेरोजगारी की बात करो आप महंगाई की बात करो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो हमें भी अच्छा लगेगा ऐसी बात मिल रहा है सिस्टम तो ये सब चीजें जो है सही ने आधार नहीं जनता आप लोगों के लिए नहीं है पर आम जनता इससे त्रस्त है और 2024 से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये चीज बनेगी महंगाई बिल्कुल क्या मुद्दा बनता है क्या नहीं बनता है ये तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ही हमें पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही नमस्कार।